नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट कारनामा में। इस समय पाकिस्तान के अंदर से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि रमीज राजा की पीसीबी से छुट्टी होने वाली है। इस खबर को लेकर पाक मीडिया में हो हल्ला मचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। मैच कराची में हुआ, 300 रन बना लिया पाकिस्तान ने। मैं इस पे पहले तालियां बजा लूं कि पाकिस्तान ने 304 रन बना लिया भाई। वेल प्लेड, वेरी वेल डन। आपने पिच, मतलब इतनी मेहनत पिच पर करने के बाद भी अगर 300 रन ही बनाने थे तो ये तो किसी तेज विकेट पे भी बन जाते, क्योंकि 25-30 तो एज पे चौके हो जाते हैं लाइवली विकेट पे। मार्क वुड पीछे गेंदे कर रहा है, शान मसूद उसे खेल रहे हैं, बाकी लोग डर रहे हैं अजहर अली के हाथ पर बॉल लग गई। बाबर आजम, मतलब क्या बाबर आजम 150 रन जब तक नहीं करेगा पाकिस्तान 350 का मुंह नहीं देख सकेगा। ये किस लिए रखा हुआ है, जिसको आप बोलते शब्बे राती रिजवान, ये किस लिए रखा हुआ है भाई? ये आदमी है कौन? ये सिर्फ इसलिए कि ये टीआरपीयां लेता रहे मेरी रात में, इसकी चलती है टीम के अंदर भाई। अब तो इससे ढकी छुपी कोई बात नहीं है। लानत इनके ऊपर, लानत है अगर जीत भी जाए तो, बल्कि यूनिवर्सल लानत है अगर ये जीत भी जाए। कुछ लोग कह रहे थे मेरे घंटे ने आज तेज किया, अबे घंटा तेज किए, वो तो अजहर अली, अजहर शफीक और ऊपर से करके गए शान मसूद। इसने क्या किया, 25 ओवर में 4.5 का एवरेज है। अबे तो उसमें रन देख लो, तीन ऊपर के तीन मार के गए। इस घंटे ने क्या किया है, शुरू में तेज हुए थे, बाद में बहुत तेज हुए, क्या हम पे एहसान किया? अबे पैसे लेते हो तुम इस बात के, खाते पीते हो, मस्ताते हो, चौड़े बन के हीरो बनने की कोशिश करते हो कपड़े पहन के तुम। हाँ, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी जितना तुम अपने आप को चौड़ा समझ के चल रहे हो भाई। ये पाकिस्तान की क्रिकेट है और यहाँ का कल्चर तुम्हें पता है, देर बार 4:30 होता है, कपड़े वपड़े फाड़ दिए जाते हैं। यहाँ पे फैन जो होते हैं वो पागल होते हैं भाई, बिल्कुल ही वो लोग वो तब्दीली चाह रहे हैं टीम के अंदर। तुमने लानते समेटी है तुमने। और अगर आज तेज खेले तो तुम कह रहे थे कि अब तो अपनी क्रिकेट तब्दील नहीं करेंगे, तो यह तब्दील क्यों करी तुमने? जी हाँ, ये तो रोकने वाली, मरने वाली, सो जाने वाली विकेट है भाई। नहीं, आप रन बना के क्यों तेज कर रहे हो? किसको दिखाने के लिए तेज कर रहे हो? कौन है वो जिसको बताने की कोशिश कर रहे हो? बताओ ना कि तुम पे लानत पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी आपको खबरें मिली हो या नहीं मिली हो, मैं आपको बता दूं, जो मैं अरसे से कह रहा था, पाकिस्तान में पॉलिटिकल मामला सेटल नहीं है, इसलिए क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीलियां हो नहीं रही, और अब बड़ी तब्दीलियां। दूसरा जो है रमीज हसन राजा को अब मतलब हटाया तो नहीं जाएगा, सैक ही कहा जाएगा भाई। उर्दू में तो आवाम समझ ले, बरतरफ करना होता है भाई। सिलेक्टेड जो होते हैं इलेक्टेड कभी सैक नहीं होते, सिलेक्टेड सैक ही होते हैं। तो अब ये है कि रमीज हसन राजा को मैंने मैसेज किया, वो खबर लगाकर मैंने उनको भी मैसेज किया कि भाई ऐसा सुनने में आ रहा है, तो उनका जवाब दिया है। इसका मतलब ये कि खट्टा मीठा भी नहीं है, अब तो सीधा सीधा है बिल्कुल ही, कि मतलब परवाने पे साइन हो चुका है और सिर्फ उड़ने वाले हैं वो किसी वक्त भी। तो अब ये कि अब उनकी जो कार्रवाई थी वो तो आपको बाद में बताएंगे। मुझे अफसोस ये रह जाएगा, लेटर का जवाब अब भी नहीं मिला उन्हें। अगर साबिक गवर्निंग बोर्ड के जो रुकन थे शकील शेख साहब, उनसे जब मेरी बात हुई इस हवाले से, तो उन्होंने कहा ऑल इज डन, मतलब दे धना धन हो चुका है। अब वो जो ख्वाब थे ना मेरे फोर नेशन के, वो वहीं धरे रह गए। वो जो ख्वाब थे मेरे के 100 बच्चे मेरे जानने वाले खेले हैं 19 के, वो दफन हो गए। मतलब अब तो वो सारे ख्वाब जो 2016 में लोगों ने देखे थे कि मैं चाहता हूं कि मेरा ख्वाब पूरा हो, 6 रीजन, अब घंटा घंटे के तेरे रीजन बर्बाद कर दिया तूने, पाकिस्तान क्रिकेट को दागदार कर दिया, ऐसी कितनी कर दी, खा पी के मस्त आ गए तुम लोग, लोगों का मुस्तकबिल छीन लिया, क्रिकेटर मोची बने रहे, क्रिकेटर फूड पांडा बेच रहे, क्रिकेटर पकौड़े बेच रहे, क्रिकेटर कपड़े बेच रहे लेडीज के, तुमने उनके मुस्तकबिल छीन के उनकी रोटी छीनी थी, उनकी भी बदुआ लगेगी तुम्हें। नहीं, उस्मान सलाउद्दीन जैसे लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, क्रिकेट का मुकद्दर बन के रह गई, यानी कि पाकिस्तान का बच्चा डोमेस्टिक खेले ही नहीं जी, बर्बाद कर दिया डोमेस्टिक को इन्होंने, आम ही नहीं छोड़ा कोई। आप पूछते हैं कि यार अच्छा इसकी जगह रिप्लेस जिसको करें, अबे रिप्लेसमेंट तुमने छोड़ी नहीं है, है आमरियत, आमरियत क्रिकेट बोर्ड में आमरियत है इस वक्त, मार्शल लगा भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये मैं आपको बता दूं। और ये बहुत ही गलत बात है, अपने रिश्तेदार पोके पंडर कहां कहां से पकड़ के लाए खिला दिए। आज मोहम्मद वसीम को जो सारा अभी तक ओडीआई के 50 ओवर की टांगे नहीं रखता, उसको 5 दिन का टेस्ट डेब्यू करा दिया, लानत है इस मैनेजमेंट पे, इन झूठे मुनाफिकों के ऊपर। यार आपने तमाशा लगाया हुआ, पाकिस्तान ये 25 करोड़ आवाम की टीम है भाई, ये एक मोहल्ले की टीम नहीं है, ये 4 लोगों की खुशी पे नहीं चलेगी, ये आवाम पे
में चलेगी, वरना ऐसी की तैसी तुम लोगों को ऐसे ग्राउंड में नारे अभी हजारों कराची में तो लोग मैच ही नहीं देखने। मेरे कहने से नारे लगे थे कराची में खुद दिल जादो, मेरे कहने से मुल्तान में नारे लगे थे। नहीं बात ये जैन वन पब्लिक की जैन वन। और काइल विरेनो को देखो कि बैटिंग ग्रीन टॉप पे कैसी होती है, ऑस्ट्रेलिया ने जाल बिछाया। अभी सब्बेराती के नारे भी लगेंगे देख ले तुम। हाँ। सब्बेराती ये जो आदमी है पाकिस्तान की क्रिकेट को सबसे ज्यादा कराची के लोगों ने अपना अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर दिया कराची स्टेडियम को खाली देख के, उनके रूहानी बच्चे को वापसी क्यों नहीं हो रही। ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आ रही है, रमेश राजा की एज अ चेयरमैन पीसीबी अब छुट्टी होने जा रही है। रमेश राजा को एज अ चेयरमैन अब जाना पड़ेगा घर, एक साइन की दूरी के ऊपर जो है रमेश राजा रह गए। जरा बात करेंगे इसके ऊपर। और हमारे पास ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि रमेश राजा की बत्ती जो है वो गुल होने के करीब है, एक साइन की दूरी के ऊपर अब रमेश राजा की जॉब जो है वो रह चुकी है। समरी जो है वजीर आजम हाउस में अरसाल कर दी गई है, जैसे उस समरी के ऊपर जो है वो साइन कर दिए जाएंगे तो रमेश राजा को जाना पड़ेगा घर और उनकी जगह रिप्लेस करने के लिए नए चेयरमैन अब आ रहे हैं और नए चेयरमैन तैयार हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। कौन है दाऊद साहब? देखिए बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि खबर यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविजनल कोऑर्डिनेशन आईपीसी ने समरी भेज दी है प्राइम मिनिस्टर हाउस, और खबर यह आ रही है कि अगर एक साइन हो गया तो वहीं पर छुट्टी हो जाएगी रमेश राजा साहब की, जो ऑलरेडी कह चुके हैं कि मेरे लिए कोई खतरा नहीं होगा, जो प्राइम मिनिस्टर है उसे बहुत खुश हैं। हैरानी के तौर पर अली साहब कुछ दिन पहले एक वो बड़ी तकरीर शकरीर रखी गई थी, वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब और रमेश राजा साहब दोनों ने एक दूसरे की कारकर्दगी पर जो है वो बड़ा इत्मीनान का इजहार किया था। इसी शो से हमने आपको बताया था कि जिसकी कारकर्दगी पर जो आपके वजीर आजम है वो इत्मीनान का इजहार करते हैं वो फिर जाता है। और अली साहब कल मुलाकात हुई है नजम सेठी की भी शहबाज शरीफ के साथ, और इसलिए भी ये खबर ज्यादा तौल पकड़ गई है कि और उसके बाद जो है ये फॉरन समरी पूछा दी गई है, तो क्या नजम सेठी पीसीबी के दोबारा से चेयरमैन बन जाएंगे या फिर कोई और नाम भी आ सकता है। लेकिन ये तो खबर पक्की नजर आ रही है कि जो आपकी मिनिस्ट्री है उसने समरी भिजवा दिया है जिसमें लिखा गया है कि आई थिंक 2014 का जो आइन है उसको बहाल कर दिया जाए, और उसके मुताबिक यही होगा कि नया पीसीबी का चेयरमैन बन जाएगा और रमेश राजा साहब की छुट्टी हो जाएगी। देखो सवा साल मिला है रमेश राजा के पास, बहुत टाइम था, काम करना जरूरत थी, काम वो कर सकते थे, लेकिन लग यही रहा कि रमेश राजा साहब ने कुछ खास काम भी वैसे नहीं किया, बहुत मौका था उनके पास। लेकिन एक बार वो रमेश राजा ने आकर बोला अभी तक मेरा सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि मैंने कोई काम नहीं किया। तो ऐसा नहीं होता, सिलेक्टर भी वही रहे जो पहले थे, उनके पास आए जिस तरह की उन्होंने बातें की अपने यूट्यूब चैनल पर बैठ बैठ कर, बड़े बड़े उन्होंने जो है भाषण दिए कि मैं चाहता हूं पाकिस्तान एग्रेसिव क्रिकेट खेले, पाकिस्तान के डीएनए में जो है अग्रेसिव क्रिकेट है। फिर जब वो टीम के चेयरमैन बने तो उन्होंने तमाम तर हथियार जो है वो टीम के सामने डाल दिए और इस बात को तूल दी कि मैं तो इस चीज को अच्छा समझता हूं कि पाकिस्तान डिफेंसिव क्रिकेट खेल के भी जीत सकता है, तो व्हाई नॉट हम डिफेंसिव क्रिकेट ही खेले। अब रमेश स्पीक्स को जो है वो ताले जो लगे थे उसको दोबारा खोलने का टाइम आन पहुंचा है, अब दोबारा से रमेश राजा को उन्हीं भाषणों को बांटना पड़ेगा या फिर रमेश राजा एज अ चेयरमैन से डायरेक्ट आपको दिखेंगे कमेंट्री पैनल में। हाँ, और वो बोलते थे जी के फलाना नहीं करेंगे, इंडिया नहीं जाएंगे, ये नहीं वो करेंगे। अब आपको आईपीएल 2023 की एक्सक्लूसिव कवरेज अगर आपको देखनी हो, अगर आपको आईपीएल 2023 की एक्सक्लूसिव कवरेज देखनी हो तो आप रमेश स्पीक्स के चैनल पर आपको वो सारी आईपीएल की जितनी खबरें होंगी, लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव मैच के एनालिसिस होंगे, वो आपको तमाम आईपीएल और जितनी भी आपको क्रिकेट है आपको सही वहीं पर मिलेगी। अब मजा नहीं आ पाएगा कि रमेश राजा के जो वर्ल्ड कप इंडिया में होगा कमेंट्री नहीं करने जाऊंगा, चैनल पे बात नहीं करूंगा, नहीं कमेंट्री करने कमेंट्री में नहीं कवर करने जाऊंगा, यूट्यूब चैनल पे बात नहीं करूंगा। फैसला ये करें कि वो अगर कमेंट्री करने के लिए नहीं जाएंगे तो जाजी तौर पर उनको दिया जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं रमेश की कमेंट्री का सबसे बड़ा फैन हूं, उनकी आवाज अच्छी लगती है, वॉइस ऑफ पाकिस्तान है इसमें कोई शक, लेकिन बात यह है कि अब उनको बायकॉट करना सीट पे है, और इंडिया की जानब से क्या कमाल की जो बॉलिंग देखने को मिली है, खास करके अक्षर पटेल ने बांग्लादेश की जो बैटिंग है उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, तो इस मैच बचा हुआ नजर नहीं आ रहा है। 272 के ऊपर बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, आखिरी जोड़ी बांग्लादेश की क्रीज के ऊपर मौजूद है, इसके बाद उनके पास कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसके हवाले से आप ये कह सकें कि यार वो आपको स्कोर चेस करके दे सकता है। अगर देखा जाए तो 272 पे 6 आउट हैं और 241 स्कोर जो है बाकी हैं अभी, यानी कि कल का पूरा दिन है 241 स्कोर बांग्लादेश को बना रहे हैं ये मैच जीतने के लिए, और भारत को टोटल जो है वो
दो विकेटें, चार नहीं मैं बोलूंगा, छह तो हो चुकी है ना, मैं चार नहीं बोलूंगा, दो विकेटें भारत को लेनी है। शाकिब और मैदी में से किसी एक को भारत ने आउट करना है, बाकी मैच भारत के हाथ में है। अब अगर देखा जाए तो जो पहला सेशन था, पहला सेशन कंप्लीट अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के नाम था, विकेटें नहीं हो रही थी, हम देख रहे थे कि बड़ा जो है बेबस नजर आ रही थी भारत की जो बॉलिंग है। आप ये कह सकते हैं कि यार कप्तानी जो है वो बहुत अच्छी को देखने को नहीं मिली है, और ना ही जो है उस तरह की चेंजेस की गई हैं, बॉलिंग उस तरह से चेंज नहीं की गई है, अटैकिंग कप्तानी नहीं की गई है, तो जिसकी वजह से जो है वो पहला सेशन जो है वो बांग्लादेश के नाम था। लेकिन दूसरा सेशन जो ही शुरू हुआ तो पहले उमेश यादव और उसके बाद अक्षर पटेल नाम की एक आंधी आई है और उसने फिर सब कुछ बहा के ले गई है, कुछ भी उसने नहीं छोड़ा है, सब कुछ बहा के ले गई। आप देखें कि शांतु को उमेश यादव ने आउट किया, ऋषभ पंत ने उसका कैच पकड़ा और बड़ा अच्छा और जबरदस्त किस्म का वो कैच था ऋषभ पंत का, पहले एक कैच ड्रॉप भी किया लेकिन उसके बाद बड़ा अच्छा कैच पकड़ा वो उन्होंने। उसके बाद जाकिर हुसैन, इस बंदे की तारीफ बनती है, कमाल की बैटिंग किया इसने, क्योंकि पहला टेस्ट मैच था, डेब्यू मैच था और 224 बालें खेल के 100 स्कोर इसने बनाया और अपने डेब्यू पर जो है वो उसको एक यादगार जो है वो डेब्यू बना दिया। लेकिन ये जो है वो अश्विन का शिकार हुए और विराट कोहली ने एक बड़ा अच्छा और क्विक जो है वो कैच पकड़ा और जाकिर हुसैन जो है वो 100 बनाने के बाद जो फौरन से आउट हो गए। उसके बाद लितन दास ये कुलदीप यादव का शिकार हुए। कुलदीप यादव के नाम से मुझे याद आया कि यार कुलदीप यादव को कम बॉलिंग देना ये कौन सा लॉजिक है? एक बंदे ने आपको पिछली इनिंग्स में 6 विकेटें लेके दी हुई हैं और आप उसको सबसे कम बॉलिंग दे रहे हैं। कल भी आपने उसको टोटल 1 ओवर करवाया और आज अगर देखा जाए तो भाई क्या बोलूं मैं, 102 ओवर हो चुके हैं भाई, और 102 ओवर्स में अगर देखा जाए तो कुलदीप यादव के कितने ओवर हैं? टोटल 18 ओवर हैं। 18 ओवर में भी उसने आपको एक विकेट लेके दी हुई है। आपने अक्षर पटेल को 27 करवा लिए, अश्विन को